हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम 250 के समथिंग टमाटर लिए हैं और 250 ग्राम के समथिंग ही गाजर लिए हैं। तो गाजर का मैंने छिलका उतार लिया है और इसे वॉश कर लिया है। टमाटर भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब इन्हें हम कुकर में डालेंगे। तो मैंने कुकर लिया है। कुकर में हम गाजर और टमाटर दोनों डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही में आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार ही डालें। दो बड़ी चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर डालना ऑप्शनल है, आपका मन ही तो डाले, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चार लहसुन की कलियां डाल देंगे। एक कप पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम गैस पर रखेंगे। तो कुकर को मैंने गैस पर रखा है और टमाटर गाजर को हम 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। कुकर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, इसका प्रेशर निकालेंगे नहीं। तो प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसका ढक्कन खोल देंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक तपेली में निकाल लेते हैं। तो सारे टमाटर की मैंने स्किन निकाल दी है और जो गाजर है वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने अब एक ग्राइंडर लिया है। ग्राइंडर की हेल्प से हम इसे बारीक पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं। तो मैंने सभी को पीसकर पेस्ट की तरह तैयार कर लिया है। तो अब इस पेस्ट को हमें छानना है। तो मैंने एक बाउल लिया है और बाउल पर एक छलनी रखी है। तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालेंगे और इसे हम छलनी की हेल्प से छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे पेस्ट को छान लिया है और जो ये बीज है इन्हें हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो ये पेस्ट है अभी गाढ़ा है तो इसमें हम मेजरिंग कप से 1 कप पानी डालेंगे। पानी और पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको टमाटर और गाजर का ये सूप गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं सूप अच्छे से पक चुका है और गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सूप सर्व करने के लिए तैयार है। तो गर्मा गर्म गाजर और टमाटर का सूप बनकर तैयार है। इसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाना बताया है। तो आप मेरे इस तरीके से टमाटर और गाजर का ये सूप जरूर बनाएं। ठंड के मौसम में टमाटर का ये स्वादिष्ट सूप गर्मा गर्म जरूर बनाएं और कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।